नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सुखबीर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बोलने से पहले बोल देती हूँ, जिन लोगों ने मेरा नया चैनल पहले बार सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, ये पहले से बनी हुई है मगर ऐसी ख़राब हो गई है। ये इसे चंगेर बोलते हैं पंजाबी में। और ये बहुत मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये मेरी माँ ने बना के दी थी मुझे। और इसमें मैं ज़्यादा रोटियाँ रखने के लिए ही, हम लोग चपातियाँ रखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं किचन में। मगर अब ये ख़राब हो गई है, मैंने चाहती ये ख़राब हो जाए, मैं फिर से इसे सेट करूँगी और फिर से सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। और धागा मेरे पास है, ये ऊन है, ये तो मल्टी कलर की है, चार कलर की है। और इसका मैं ज़्यादा आपको दिखा देती हूँ, जब जाती हूँ मैं वहाँ उस तरफ तो मैं लेके आ जाती हूँ ज़्यादा सी, क्योंकि मुझे क्रोशिए का कुछ ना कुछ बनाना रहता है। ये देखिए, इसमें चार कलर है, इसके साथ ही मैं बनाऊँगी। और इसके लिए बनाने के लिए चाहिए एक सुई ये वाली, और कुछ नहीं, ये धागा तो आपको दिखाया मैंने। और ये बनाने के टाइम कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये शायद 2 इंच का गैप रख के ही इसको ऐसे स्टिच लगाया हुआ है, 2 इंच के गैप में इसे स्टिच लगाया है। इसे फोल्ड करते रहना और यहाँ आके फिर इसे ऐसे स्टिच लगाया है। तो मैं फिर से इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इसके अंदर गैप भी है बहुत सारा, देखिए ऐसे आराम से दिख रहे हैं आपको, ये सुई आ गई है और ये बहुत आराम से बन जाएगी। मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहती और रोटियां रखूंगी, नहीं तो और किसी कुछ भी इससे किसी तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगी, मगर मैं इसे ख़राब नहीं होना देना चाहती। और मैं स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा भी बनाया है, बहुत मुश्किल से ही बना है। अब और 2 राउंड लगाए हैं मगर बहुत मुश्किल से ही जा रहा है। कभी इस तरफ पलटी मारो, कभी उस तरफ मारो, और खींच खींच के ना क्या बताऊं, ये इतना आसान नहीं, मैं सोची थी आसान होगा मगर नहीं है। मैं बोल नहीं सकती कितनी मुश्किल बन रहा है ये, मुझे आइडिया नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में आसान होगा, आसान नहीं है। शायद नया बनाते इतना नहीं टाइम लगता, टाइम नहीं बोले तो जोर इतना लगता मेरा जैसे लग रहा है अभी। पहले नया बनाए तो क्या रहता मालूम, ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करके उसके अंदर से एक बार टांका लगाना है, फिर ऐसे 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 घुमा के फिर एक बार टांका लगाना है, यहाँ कहाँ भी अटक जाता है तो मुश्किल हो रहा है बहुत, हर बार टांका लग रहा है। अब नया थोड़ा रह गया है अभी, बोले तो 2, 4, 6 राउंड रह गए हैं अभी, हो जाएगा शायद आज, मगर मैं बहुत थक चुकी हूँ इसे करते करते। बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, कितनी मुशक्कत की है मैंने, मेरे को मालूम है।
आपके घर में है ऐसा पुराना तो ट्राई करिए, आपको भी समझ आएगी कैसे बनता है ये दोबारा से। थोड़ा सा ही रह गया है अभी, मुझे इतना आइडिया तो आ गया है कि हाँ ऐसा सामान पुराना है तो उसे फिर से नया बनाएंगे तो आपकी डबल मेहनत लगेगी। एक तो ऐसा मार्केट में नहीं मिलता, मार्केट में मिलता हो तो मैं शायद इसे फेंक ही देती और ले आऊँगी। ये मिलने वाला नहीं है, ये खुद ही हाथ से बनाया हुआ है इसलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। पहले मैंने बहुत साल इसे इस्तेमाल किया है, अब मैं इसे किचन में नहीं कुछ अलग से करूँगी इस्तेमाल, जो कभी ये ख़राब हो ना कभी इसे ख़राब होने नहीं दूँगी मैं अब इसे। लास्ट में है थोड़ा सा ही, और मैंने घर में ना जो इसके अंदर लगा हुआ है ना, बाहर तो थ्रेड था, जो अंदर इसके भरा हुआ है वो है शायद इसे लेमन ग्रास बोलते हैं, वो मेरे घर पे भी है, मच्छर नहीं आता वो इसलिए मैंने लगा रखी है गमले में। तो मैं उसका ना जो भी सूख जाता है पत्थर उसे अभी इकट्ठा कर रही हूँ। इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसे नहीं फेंकती हूँ, एक आधा सूख जाता है दो तीन दिन के बाद, तो ऐसे बना रही हूँ। ये उससे ही ये बनी हुई है लेमन ग्रास से, तो इसके अंदर रख रख के तो ऐसे धागा लपेट लपेट के बनाई है, तो मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ। जिस दिन मेरे पास ज़्यादा हो गया और मैं एक और बनाऊँगी और वो शायद आसानी से बन जाएगा, एक ये और एक इससे छोटा, और दो तीन बनाऊँगी कुछ इससे, फिर मैं डेकोरेट कर सकूँगी कुछ भी, दीवार नहीं तो कुछ भी। तो कैसा लगा आपको बोलिए, पहले कैसा था आप कैसा है, अच्छा ही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि सुबह से मैं इसके साथ थी। ये मार्केट में मिलता तो मैं कभी भी नहीं इसे बनाती फिर से और ले लेती, मगर ये मिलने वाला नहीं था इसलिए मैंने बनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, या तो इससे एक बड़ा बनाऊँगी या तो इससे दो छोटे बनाऊँगी, फिर इससे इनको तीन चार होंगे तो शायद मैं फिर सजा पाऊँ, एक से एक टेबल पर रख लूँगी। अब मैं इसमें चपाती तो नहीं रखने वाली हूँ। कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे लाइक करेंगे फिर ही मालूम पड़ेगा कि आपको पसंद लगा नहीं लगा, और लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सुबह से लगी हूँ मैं इसके साथ, जो आपके दिल के करीब रहता सामान उसको फेंकने को मन नहीं करता, जहाँ फिर वो महंगा हो या सस्ता हो आप उसे संभालना ही पसंद करेंगे। और इसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, और इसे इकट्ठा करके मैं फिर से एक बनाऊँगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।